चमत्कार कहिए या कहिए करिश्मा, बोर्ड पर बचाने के लिए सिर्फ 119 रन थे। गेंदबाजों ने ऐसा गदर मचाया कि पाकिस्तान से सरेंडर कराकर ही दम लिया। ये जीत गेंदबाजों के नाम। 113 पर किया पाकिस्तान का काम तमाम। 120 का ही तो लक्ष्य था पाकिस्तान के सामने। भारतीय समर्थकों के खेमे में खामोशी थी, निराशा थी, और जब पाकिस्तान ने बिना विकेट गवाए 26 रन बना लिए तो खलबली मचनी शुरू हो गई। सेंध लगाई बुमराह ने पाकिस्तान के कप्तान का कचूमर निकालकर। दूसरे विकेट के लिए भारत को इंतजार करना पड़ा। 57 के स्कोर पर उस्मान को LBW कराकर अक्षर ने राहत दिलाई। फखर जमा ऐसे आए जैसे फटाफट मैच खत्म करने के मूड में हो। उनकी हड़बड़ी में उनसे गड़बड़ी कराई हार्दिक पांड्या ने, लेकिन मैच में पासा पलटना तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान के 80 के स्कोर पर बुमराह ने रिजवान को बोल्ड मारा। 80 पर 3 से 102 पर 7 हुआ पाकिस्तान। आस्किंग रेट के दबाव में बिखरता गया पाकिस्तान। आखिरी दो ओवर की कहानी भी दिलचस्प है। 12 गेंदों में पाकिस्तान को 21 रन चाहिए थे। 19वां ओवर बुमराह लेकर आए और इसमें सिर्फ 3 रन देकर एक विकेट लिया, मतलब आखिरी ओवर में पाकिस्तान को 18 रनों की जरूरत। दीप ने पहली ही गेंद पर इमाद वसीम को पंत के हाथों कैच कराया। फिर भी पाकिस्तान मैच को उस समीकरण पर ले आया जहां आखिरी दो गेंदों पर 12 रन चाहिए थे, लेकिन ये काम पाकिस्तान के बूते से बाहर हो गया। लो स्कोरिंग वंडर में उसने इस बार भारतीय गेंदबाजों का थंडर देखा।